देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मथुरा में शिक्षा माफियाओं के रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब तीन छात्र सीडीओ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगाते नजर आए। पूछने पर पता चला कि वो तीनों एक ही शिक्षण संस्थान में शिक्षणार्थी हैं और पात्र होने के बावजूद भी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। कारण बड़ा चौंकाने वाला निकला। समाज कल्याण की वेबसाइट पर तीनों ही दो साल पहले से एक दूसरे संस्थान में अलग ही पाठ्यक्रम में पंजीकृत पाए गए और उस पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति भी सरकारी खजाने से उनको निरंतर प्राप्त होने की तस्दीक कर रही है। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। जब उन्होंने उस संस्थान के प्रबंधक से इस बाबत जानकारी मांगी तो प्रबंधक ने बेखौफ होकर उन्हें धक्के मारकर अपने विद्यालय से निकाल दिया गया। पीड़ित अशोक निवासी जादोपुर, जो कि RBS कॉलेज में BTC और उसी के गांव का पाराशर है। भैया मैं हमारे साथ जो ये हमारा स्कॉलरशिप हड़प किया जा रहा है, इसका हमें न्याय चाहिए। हम बहुत गरीब हैं। हमारे आगे पढ़ाई में CDO साहब ने कहा है, हम इस पर पूरी जानकारी के साथ मतलब कोई जानकारी करेंगे, पर इसमें कोई भी निर्दोष हमें पाया जाता है तो उसके साथ दोषी पाया जाएगा उसके साथ FIR। धन्यवाद। जो कि RBS में ही BSc का छात्र है, उसने बताया कि उनके नाम और वल्दियत से क्रमशः BBA और BCA की छात्रवृत्ति बलदेव क्षेत्र के लीला देवी PG कॉलेज गांव मगना के प्रबंधक द्वारा फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी आधार और किसी दूसरे फोटो और दस्तखत से निकाली जा रही है। वहीं RBS कॉलेज से BTC कर रहे रामेश्वर सिंह निवासी गढ़सौली के फर्जी कागजों से BCA के पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति भी इसी संस्थान द्वारा धोखाधड़ी कर निकाली जा रही है। शिकायत पर CDO राम निवास ने सरकारी धन के बंदरबांट की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने का आश्वासन पीड़ितों को दिया। जिले में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की सूची का सही सत्यापन करवाया जाए तो करोड़ों रुपयों की अनियमितता और घोटाला सामने आ सकता है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता हेमंत कटारा की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं मथुरा जनपद में राजीव भवन पर। मामला प्रकाश में आया है, रामेश्वर सिंह और अशोक कुमार ये दोनों छात्र RBS कॉलेज बलदेव मथुरा से BTech कर रहे हैं तथा फर्जी तरीके से SMT लीला देवी यहाँ विद्यालय बलदेव मथुरा के द्वारा वजीफा हड़प कर जाने के संबंध में हम बात करेंगे इन युवाओं से, इन बच्चों से, जो कि अपनी पीड़ा बताएंगे कि इनकी क्या समस्या है, क्या पूरा मामला है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर, क्या मामला है पूरा? सर मैं प्रेजेंट में RBS कॉलेज कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, दिखाना दे रखा है, तो मैंने इसकी जाँच की राजीव भवन आकर, तो लीला देवी महाविद्यालय मंगना बंदे मथुरा में वो स्कॉलरशिप दिखा रहा है क्योंकि वो फर्जी तरीके से 2 वर्ष से BCA करा रहा है और हमारे वजीफा को फर्जी तरीके से हड़प रहा है। इस संबंध में हमने शिकायत भी की है, तहसील दिवस में भी शिकायत की थी, उसमें जांच भी हुई है, तो वो जांच DIOS ने हमारे पक्ष में जो नगला संजा में जूनियर हाई स्कूल है उसकी मैडम को जांच अधिकारी बनाया था, तो उसने जो भी जांच की है वो हमारे पक्ष में की है और उसमें कॉलेज वाले को दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने फर्जी तरीके से सब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और जो भी कुछ लगाया उसने सब फर्जी तरीके से लगाया है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? और इसमें न्याय चाहते हैं, जो हमारे साथ ये कर रहे हैं ऐसा किसी दूसरे भाई के साथ ना हो। अब देखना ये है कि योगी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन बच्चों की सुनवाई कहां तक होती है या नहीं होती है। कैमरामैन रोहित ओजल के साथ यूपी क्राइम न्यूज। आप
आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़ अपराध के खिलाफ जंग।